करना और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम करना बड़ा बहुत बड़ा शौक है इस पर, और काफ़ी स्कूल्स के अंदर जाना, वहाँ पे सेमिनार करना, बच्चों को इंकरेज करना कि कोडिंग सीखें, प्रोग्रामिंग सीखें। तो उसके बाद आज हम जो है फाइनली इस बात पर पहुँचे कि मैं एक स्कूल के अंदर बच्चों को कोडिंग सिखाता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है वहाँ सिखाता हूँ। लेकिन इस कोर्स को सिखाने से पहले मेरी बातचीत हुई हमारे जो प्रिंसिपल हैं दरम्यान स्कूल बदीन के, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुझे इंकरेज किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप जो है कोड भले आप बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन उससे पहले हमने एक इंटरव्यू लिया था बच्चों से, एक क्रेडिट टेस्ट लिया था, एक मेरिट बेस हमने सिलेक्शन की है, और उसके बाद आज जो है ना वो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास। तो एक ओरिएंटेशन क्लास भी हो चुकी है हमारी, और दो तीन क्लासेस हो चुकी हैं कंप्यूटर के ऊपर, और बच्चों ने काफ़ी अच्छा जो है ना समझाया सिखाया। तो आज हम आपको विजिट कराएंगे, बच्चों से मिलवाएंगे, और जो है ना बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाए वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हम वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। थैंक यू। वर्कशॉप करवाया था, तो ये वाला हॉल है जिसपे काफ़ी पेरेंट्स भी आए थे, स्टूडेंट्स भी आए थे। बेसिकली द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का जो वर्कशॉप रखवाया गया था वो इस वजह से रखवाया गया था कि जो बच्चे प्रोजेक्ट बना लेते हैं वो जब कल को कराची जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं या फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो उनको उनके अंदर ये बात करने की सलाह हो कि वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये वाला हॉल है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप हुआ था और काफ़ी सीखने को मिला, और बच्चों ने काफ़ी जो है अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए और काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन भी किया था। इसी स्कूल के अंदर हमारा एक सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन का भी इसी दौरान हुआ था, जब आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सेशन ख़त्म हुआ था उसके बाद हमने जो है ना सेशन रखवाया था सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन का, तो बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाए थे उनको एक्सप्लेन भी किया था, तो काफ़ी पेरेंट्स को अच्छा लगा। तो द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो वर्कशॉप हुआ था उसके बाद फौरन ही हमने जो वेब पेज नंबर 1 के स्टूडेंट थे उन्होंने यहाँ पे बाहर जो है एक सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन का डे वो रखा, वहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स को भी उन्होंने शो किया अपना प्रोजेक्ट और एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप जब हुआ तो बच्चों को बोलने की एक सलाहियत मिली, बच्चे के अंदर टैलेंट था वो यहाँ पे वर्कशॉप कराया, तो बच्चों को बोलने का मौका मिला और बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया और काफ़ी हमें मज़ा आया। जी तो अभी हम क्लास में चलते हैं, जो बच्चे हमारे पास वेब पेज नंबर 1 के हैं तो उनके असाइनमेंट भी देखते हैं, उनसे मिलते भी हैं और उनको कुछ पढ़ाते हैं। तो आइए हम चलते हैं वेब पेज नंबर 1 की क्लास में। और सिर्फ एक सिस्टम रखते हैं समझाया।
सलाम अलैकुम बेटा, कैसे हैं आप? सर हमने सबसे पहले इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बनाए हैं और टेबल बनाया और इसमें पैराग्राफ बनाया है। ठीक है, तो आप इसका कोड दिखाइए हमें, इसका कोड जो आपने बनाया है H1 और H2। ठीक है, इसमें आपने हेडिंग भी दी है और पैराग्राफ भी दिया है और टेबल भी बनाया है। जी यू लव इट, चलें, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पे चलते हैं। जी बेटा आप बताइए हमें क्या बनाया आपने? हमने टेबल बनाया है जिसमें हमने पहला लिखा है नेम और फादर नेम, इसमें हम टेबल की तरह। ठीक है जी बेटा, आप सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है जी, बताइए क्या बनाया आपने? सर हमने बेसिक HTML पेज बनाया है। जी जी, जिसके अंदर ये हेडिंग्स है, ये पूरा स्ट्रक्चर और ये टेबल्स हैं, टेबल है और ये कोडिंग है। पहले हम HTML देंगे, उसके बाद हम हेड वाली कोडिंग करेंगे, उसके बाद टाइटल, फिर टाइटल में हमने जो लिखना है, फिर टाइटल क्लोज करके फिर हेड भी क्लोज कर देना है, फिर बॉडी, और ये हमने जो ब्लू कलर किया है इसके अंदर। बेटा इसमें आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है इंस्टॉल कीजिए। अच्छा, ज़बरदस्त आउटपुट आया है, आउटपुट दिखाइए इसका। आउटपुट दिखाइएगा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। इसको आपने कलर भी कर दिया जी, इनलाइन CSS की है जी, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, बेटा कैसे हैं आप? जी बताइए क्या बनाया आपने आज? आज हमने बेसिक HTML किया है जी, ये इसका कोड है और ये इसके रिजल्ट है। बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त, कलर भी लगाया है, बहुत अच्छा। इसको आपने टेबल भी बनाया और इसमें अनऑर्डर लिस्ट बनाया, ज़बरदस्त। चलें जी हम चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक हैं जी, बताइए क्या बनाया आज? सर हमने इसमें बेसिक, यानी कि इसके बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था। टाइटल है, टाइटल में हमने हेलो वर्ल्ड दिया है, हेडिंग दी है बनीन सॉफ्टवेयर हाउस, उसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट पढ़ा है, जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पर टेबल की सूरत में। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा, आउटपुट्स का दिखाई देता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं जी, बताइए क्या बनाया आज? सर हमने जो है वो तो पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है HTML का, उसमें जो है हमने हेडिंग्स दी हैं, 6 हेडिंग्स होती हैं, वो दिया है और उसके बाद हमने जो टेबल बनाया है। ठीक है, इसका हाँ और भी ये हो गया, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप? ठीक है जी, जी बताइए क्या आपने आज बनाया? इसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास हेड, टाइटल वगैरह, पैराग्राफ्स वगैरह सब कुछ है और उनको आके मैंने क्लोज किया है। ठीक है, और ये मेरा आउटपुट है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप? सर मैं ठीक हूँ, और मैंने जो है ना आज हमने बेसिक सेंटेक्स पे काम किया, जिसमें हमने टेबल्स बनाए, पैराग्राफ लिखे एंड डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स का भी यूज़ किया है। ये मेरा पूरा इनपुट है एंड देन ये रहा आउटपुट। इसका आउटपुट दिखाइए, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वालेकुम बेटा, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आपने कैसे? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जी। आपने क्या आज बनाया असाइनमेंट, काइंडली बताइएगा हमें? हमने HTML के बारे में पढ़ाया, बेसिक स्ट्रक्चर का जो HTML का होता है वो हमने बनाया। जी जी, यहाँ पर मैंने 2-3 टैग यूज़ किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हेड का हो गया, टाइटल का हो गया, फिर उसके बाद मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ, इटैलिक भी किया हुआ है, मैंने एयरिंग टैग का भी यूज़ किया हुआ है, और मैंने पैराग्राफ का भी यूज़ किया हुआ है। तकरीबन 6 हेडिंग्स जो है मैंने सारी यूज़ की हुई है। और आपने एंकर टैग भी लगाया है? जी जी, एंकर टैग चला के दिखाइए थोड़ा, इस तरह चलता है। ठीक है, वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बेटा, एक्सप्लेन करें कोड को, क्या आपने बनाया आज? इसमें हमने HTML के बारे में बनाया, इसमें क्या क्या आपने कोड बनाया? जी जी बताइए। हमने हेडिंग वन लगाया, इसमें हेडिंग्स का। ठीक है, और हमने इसमें टेबल भी सीखा है, कि मतलब UN लगा कर, LI लगा कर, इसमें फिर उसको कोडिंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसका आउटपुट दिखाइएगा। इसका आउटपुट ऐसा है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आपने इसका फॉर्म भी बना दिया, नेम, फादर नेम, फोन नंबर और सबमिट क्वेरी। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। वालेकुम बेटा, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र जी, बताइए क्या आपने बनाया आज? आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया HTML का, जिसमें आज हमने जो कोडिंग की, फिर हमने पूरा कोडिंग करके फिर आज हमको इसका आउटपुट हमने निकाला भी। बेटा कैसे आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र जी, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। जी सर, बेसिकली हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया HTML का, और इसकी 6 हेडिंग होती है वो हमने सारा दिया है, और ये हरीफ वगैरह ये भी मतलब सारे हमने दिए हैं। जी बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, उसका आउटपुट दिखाइएगा, आउटपुट ये लिखा है, ये रहा। चलिए जी, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त बनाया है, थैंक यू। बेटा कैसे आप? ठीक है जी। बेटा एक्सप्लेन कीजिए, आपने क्या बनाया आज? सर आज हमने ये सीखा कि नई चीज़ सीखी है कि गूगल पे अगर कोई भी चीज़ हम बाहर भेज सकते हैं तो कैसे भेज सकते हैं। यहाँ पे जैसे हेरिफ लिखा हुआ, हेरिफ equal to www.com और .google.com, इसको हमने बंद किया, फिर गूगल लिखा,
और उसको हेडिंग वन में हमने बंद भी कर दिया। उसको हम जो भी कोई भी नाम लिख सकते हैं तो उसमें हम क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे लिखा है, अगर हम यहाँ पे नेट अभी नहीं है लेकिन यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमें वेबसाइट मिल जाएगी अगली, ये भी वेबसाइट मिल जाएगी अगली। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अगर हो चुकी है तो चलते हैं ऑफिस में और सर से भी मिलते हैं, देखते हैं। तो अब हम ऑफिस में आ चुके हैं और बैठते हैं, सर का इंतज़ार करते हैं, सर भी आ जाते हैं। तो ठीक है, आज क्लास बहुत अच्छी रही और बच्चों के प्रोजेक्ट भी देखे, बड़ा मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम दरनाइस स्कूल बदीन के अंदर हैं और मैं सबसे पहले जो है ना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर मोहम्मद जुनेद का कि जिन्होंने मुझे इनक्रेज किया, सपोर्ट किया। बेसिकली जो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के अंदर सेशन करता था, आईटी को प्रमोट कर रहा था, आईटी की बात करता था कि बच्चों को बचपन से ही जो है ना कोडिंग की बात सिखाई जाए। तो यही बात जब मेरी सर मोहम्मद जुनेद से हुई तो सर ने मुझे काफ़ी इनक्रेज किया और काफ़ी जो है हिम्मत दी कि आप ये बात जो करते हैं सॉफ्टवेयर की बड़ी अच्छी है और बच्चों के अंदर बड़ा टैलेंट होगा, बच्चे जो है इससे सीख के काफ़ी अच्छा बेहतर कर सकते हैं अपने फ्यूचर को। क्योंकि सर ने यह भी कहा कि एनालिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है बच्चे के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है बच्चे सोचने के ऊपर, न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं। तो मुझे काफ़ी जो है ना पहली जो बदीन के अंदर पहली जो मुझे सपोर्ट मिली, गाइडेंस मिली तो सर जुनेद से मिली। तो आज हम सर जुनेद के ऑफिस में ही बैठे हैं तो अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे सर जुनेद से, हमारे बिल्कुल बराबर नहीं है। तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि सर आपने जो है हमें टाइम दिया, हमें लेटेस्ट नंबर 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए मौका दिया। तो आज उनकी क्लास भी हो चुकी तो आज हम सर से भी बात करते हैं, सर को थैंक यू कहते हैं। सर मोहम्मद जुनेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने रिनेसेंस स्कूल को चूज़ किया, उनके बच्चों को चूज़ किया, आपने मुझे चूज़ किया कि जो आपने एक तो आप अपनी बैचेस चला रहे हैं जो आपके अकेडमी में, पर लेकिन आपका ये था कि किसी स्कूल में भी इसको इनिशिएट किया जाए और उसमें आपने रिनेसेंस स्कूल को चूज़ किया, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी एडवांसमेंट हम अपने माशरे में ला रहे हैं। पर्टिकुलर जब हम बदीन शहर की बात करें जो बहुत ही रूरल एरिया है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट बच्चों के अंदर भी आएंगे और बच्चों को भी पता चलेगा कि सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टरी नहीं है, मेडिकल नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। और एक बात फिर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अपने कीमती घड़ियों में से कुछ टाइम आप यहाँ निकालते हैं बच्चों के लिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे हैं आपको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस देंगे इस हवाले से। जी थैंक यू सो मच सर। सर मोहम्मद जुनेद से बात करके बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी जो है ना पॉजिटिविटी जो है सर के अंदर बच्चों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा सोचते हैं। और आप सब सच पूछिए कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे बड़ा अच्छा रिस्पांस करते हैं और आज सिर्फ 2-3 क्लासेस हुई हैं और बच्चों ने बहुत अच्छा जो है ना रिस्पांस दिया, असाइनमेंट बनाई है। तो अब वो भी इंशाल्लाह आपको अपलोड करके दिखाएंगे कि बच्चों ने कौन कौन से असाइनमेंट बनाई है। तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे सर से बातचीत करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं और आईटी की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सर वाली बात के आने वाले वक्त में जो है ना ये सारा सॉफ्टवेयर ओवरकम कर चुका है तो ये जो है ना हमें हमारे बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। तो बस कनेक्टेड है इन सब से, बच्चों से, टीचर से, सर मोहम्मद जुनेद से और स्कूल से। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।